हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको दिखा रही हूँ रबर बैंड बनाना, बता रही हूँ। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, आज ये मैं पुराने कपड़े में से भी आपको बनाना बताऊँगी। ये मैंने पुरानी टी शर्ट में से पीस निकाल लिया है और इसको हम निकालेंगे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। ये मैं छोटी बच्ची का बना रही हूँ, इसलिए मुझे इसको तैयार रखना है 15 इंच का पूरा। इस तरीके से तैयार हम इसको 15 इंच का रखेंगे। और कपड़ा जिस तरफ से हमारा स्ट्रेचेबल होता है उस तरफ से हम इसको लेंगे। जैसे हमारी टी शर्ट है तो ये इस तरफ से स्ट्रेचेबल है तो इस तरफ से, और अगर इस तरफ से स्ट्रेचेबल है तो इस तरफ से, ये हम देख लेंगे। तो चलिए मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको जो है पट्टी को स्ट्रेचेबल तरफ से जो है एक सिलाई लगा लूँगी और इसे बीच में से हम खोल लेंगे इसको पलटने के लिए। इन दोनों साइडों पर सिलाई नहीं लगाऊंगी, ना इस साइड पर और ना इस साइड पर। ये देखिए, ये जो बीच में से मैंने पलटने के लिए खोला था इसमें हम ऐसे ऊपर से सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। और इसमें सिलाई लगाने के बाद इसको मैं पीछे से फोल्ड कर लूँगी। इसमें इलास्टिक नहीं लगा रही हूँ मैं, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है तो इसमें हमें इलास्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके ऊपर जो है मैं यहाँ पर इस तरीके से, और ये देखिए इसमें ये मैंने बटरफ्लाई बना के रखी है पहले से, इसमें हम इसको लगा देंगे। इसको मैं सुई से लगा दूँगी, इसे मैं सुई से लगा लूँगी और ये बैंड तैयार हो गया। ये देखिए, इसको अभी मैं सुई से लगा रही हूँ। और ये देखिए, मैं दूसरा बैंड तैयार करने जा रही हूँ। ये मैंने शैनील का पीस लिया है, इसको भी हमें ये देख लेना है कि किस तरफ से स्ट्रेचेबल है। जिस तरफ से ये खिंच रहा है कपड़ा उसी तरफ से हम लेंगे। और इसमें भी मैं एक सीधी सिलाई लगा कर इसको पलट लूँगी, उसके बाद जो है हम इसको इस तरीके से सी लेंगे। इसमें भी इलास्टिक में नहीं लगाऊंगी। अब इसमें ये जो मैंने बीच में से खोल रखा है इसको सिलाई लगाऊंगी पहले मैं, और उसके बाद जो है हम इसको बीच में कर लेंगे सिलाई को। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने सिलाई लगाई थी ये मैंने अपनी बीच में ले ली है। आपको ब्लैक कलर की वजह से नज़र नहीं आ रही है, लेकिन मैंने इस साइडों में कपड़ा जो है अनफोल्ड रखा है और सिलाई का हिस्सा जो है मैंने इस तरफ ले लिया है। और उसके बाद जो है हम इसको इस तरीके से सी लेंगे। चाहे आप इसमें मशीन से सिलाई लगाइए, चाहे इसमें आप मशीन से या फिर हाथ से इसको सी लीजिए। अब ये देखिए, मैंने इसमें ये साइड की सिलाई लगाकर पलट लिया है इसको। और ये जो सिलाई मैंने लगाई है इसको ही हम बीच में रखकर, और इस पे जो है मैं ये मैंने फूल बनाए उसी टी शर्ट में से। ये देखिए, तो ये तीनों फूल मैं इस पर लगाऊंगी और अभी मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ ये फूल। और साथ में हम जो है इसमें ये मोती भी लगाएंगे। ये मोती मैं इसमें लगाऊंगी। ये देखिए, मैंने इस तरीके से ये टी शर्ट में से ये कंगूरे वाली पट्टी निकाल ली है। इसमें मैंने 5 कंगूरे निकाल लिए हैं। और इसको इस तरीके से, जो सीधी साइड हमने ली है सीधी साइड से हम इस तरीके से इसको लेंगे और ये इस तरीके से हमारा फूल तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसानी से फूल तैयार हो जाएगा। और इसको सारे को इसी तरीके से हम कर लेंगे और इसको इस तरीके से पूरे टांके लेकर और ऐसे खींच लेंगे। और खींचने के बाद जो है इसको इस तरीके से मिला लेंगे और मिला के हम यहाँ पर इसमें टांके लगा देंगे। टांके लगाने के बाद ही हमारा इस तरीके से तैयार हो जाएगा। तो ये मैंने टांके लगा दिए इसमें। तरीके से इसको पकड़ के इसमें टाके लगा लेंगे। क्या है आपका? और ये देखिए, इस तरीके से हमारा फ्लावर तैयार हो गया। और ऐसे ही मैंने सारे फ्लावर तैयार करे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बिना इलास्टिक के तैयार किए हैं दोनों बैंड।
और ये स्ट्रेचेबल है इसलिए हमें इसमें इलास्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आसान है बहुत ज़्यादा, ये जो मैंने आपको पहले बताए थे उससे ज़्यादा आसान है। ये आप आसानी से, बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। और ये देखिए, ये फ़्लावर बनाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है कैसे बनाए हैं मैंने ये फ़्लावर। बहुत ही आसान है ये, और मैंने इसे पुरानी टी शर्ट से बनाए हैं। और ये मैंने वेलवेट का पीस लिया है जिसको हमने पहले ही देख लिया था कि किस तरफ से स्ट्रेचेबल है, और उसके बाद मैंने इसको बनाया है, ये देखिए। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।